अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप कैनवा को यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं या रेज्यूमे बना सकते हैं और उसके ज़रिए आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सीवी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल स्किल्स। तो हर कोई डिज़ाइनर नहीं होता और उसे लेकिन सीवी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आप किस तरह से इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस मौजूद है। अगर यहाँ पे सिंपल हम क्लिक करेंगे क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हम सीवी कुछ इस तरह से और यहाँ पे देखें रेज्यूमे और किस तरह की आप सीवी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल रेज्यूमे पे क्लिक कर दूँगा और उसी स्टाइल की जो मेरे पास वो हैं सीवीज़ वो यहाँ पे आ जाएंगी और काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फ़िल्टर है, अगर आप स्पेसिफिक कलर चाह रहे हैं अपने सीवी के अंदर तो उस तरह के टेम्पलेट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके उस तरह की जो वो है अप्लाई कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे चाहिए एज अ डिज़ाइनर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिज़ाइनर और यहाँ पे मेरे पास जो भी सीवी के टेम्पलेट्स आ जाएंगी वो एज अ डिज़ाइनर आएंगी, राइट। तो लेट्स से एज अ डिज़ाइनर मुझे सीवी मेरी थोड़ी सी क्रिएटिव होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो सिंपल मैं यूज़ करूँगा कुछ अच्छे से सीवी, कुछ डिज़ाइनर के साथ वाली सीवी, लाइक जो लगे कि थोड़ी सी डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छी है, थोड़ी सी आर्टिस्टिक लग रही है हमें यहाँ पे। इसको इसके बजाय हम क्या करते हैं इसको यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंप्लीट जो है डिटेल है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस कैनवस को ताकि मुझे अच्छे से विजिबल हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल डबल क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम लिख दूँगा, ओके। इस ये यहाँ से आउट हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो छोटा कर दूँगा कुछ इस तरह से, ओके। अब ये परफेक्ट नज़र आ गया। यहाँ पर मैं लिख दूँगा जो भी है लेट्स सो कैनवा डिज़ाइनर, लेट्स से मैं आप जो भी लिखना चाहें। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा और यहाँ पे आप अपने जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो देख सकते हैं। तो बाय द वे आप यहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, राइट। और सिमिलरली सेम हैंडल यहाँ पे हमारा है और यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारे पास, इसको आप बिल्कुल कुछ इस तरह से सेटअप कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अपनी वो डिटेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास मुझे एक और सेक्शन चाहिए जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा उसको एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा। इसको भी पहले मैं ज़रा स्पेस क्रिएट करूँगा कुछ इस तरह से, राइट। ये स्पेस हमारे पास क्रिएट हो गई। अब मैं इसी सेक्शन को सिंपल कंट्रोल जी कर दूंगा, मैं इसको मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा सिंपल और इसी तरह से कॉपी पेस्ट और इसको मैं यहाँ पे ले आया और इसको मैं सेंड बैक कर दूंगा, ओके। यहाँ पे हमारे पास वो एक और शेप आ गई, इसको मैं अगेन कॉपी पेस्ट इसके ऊपर लाके लिखूंगा और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज लिखना चाहता हूँ हॉबीज, तो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इनको कॉपी पेस्ट और इसको लेके आके यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज क्रिकेट और सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट अगेन यहाँ पे मैं लिख दूंगा म्यूजिक, ओके। तो इसको जिस तरह से भी आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे अपनी इमेज रिप्लेस करनी है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखें अब मेरे पास इमेज सिलेक्ट हो चुकी है, तो मैं इस इमेज को इस तरह से डिलीट का बटन प्रेस करके तो हम क्या करते हैं इस इमेज को कर देते हैं डिलीट, ओके। ये हमारे पास इमेज डिलीट हो गई, यहाँ से अपनी इमेज अपलोड करेंगे
और सिंपल इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। राइट नाउ मेरे पास ये इमेज मौजूद है, ये इमेज आई, इसको मैंने यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसको मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, सिंपल डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से खींच के थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी कर दूँगा इसको और कुछ इस तरह से सेटअप कर दूँगा। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी जो CV है वो रेडी है और इसको आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड या डायरेक्टली सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी किस तरह से हम कैनवा को यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल एक अच्छी CV बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने रैंडम सी बनाई है, आप जितनी एफर्ट करेंगे उतनी अच्छी CV बना पाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ या डिटेल कोर्सेज आप टाइम तक पहुंच सकें। राइट, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।